हेलो गाइस, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा माइक्रो ब्लीडिंग आईब्रोज, अगर आपकी ख़राब हो जाए तो उसे ठीक कैसे करते हैं। सो मेक श्योर गाइस, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं हमारी माइक्रो ब्लीडिंग की आईब्रोज की वीडियोज़ में कि मैम अगर ख़राब हो जाए तो उसे ठीक कैसे करें। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारी जो क्लाइंट है वो पानीपत में, उन्होंने कहीं से कराया था माइक्रो ब्लीडिंग आईब्रो, तो जिन्होंने भी किया उनके जो आर्टिस्ट थे करने वाले उन्होंने अच्छे से नहीं किया और काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है करेक्शन की ज़रूरत है। तो आज हम उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं और उसका प्रोसेस क्या होगा आज आप इस वीडियो में पूरा के पूरा देखेंगे। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले गाइज, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और हाँ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी क्लाइंट के जो है आईब्रोज काफ़ी अनइवन हैं, बीच का जो गैप है वो भी इक्वल नहीं है। तो हम सबसे पहले मैपिंग करके जो है करेक्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है, वहाँ वहाँ पर हम वर्क करेंगे। तो जैसे कि आप फ्रंट देख सकते हैं और बैक भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी इवन नहीं है। आर्क पॉइंट्स जहाँ पर होने चाहिए उससे बिल्कुल पीछे हैं। तो पहले मैं टेम्परेरी शेप करके दिखा रही हूँ मैं अपनी क्लाइंट को, इसके बाद अगर वो कहते हैं कि हाँ वो शेप फाइनल है तो फिर हम उसको जो है फाइनल करेंगे। तो पहले मैंने मैपिंग के अकॉर्डिंग इस तरीके से शेप क्रिएट कर ली है, और जहाँ जहाँ पर हमने करेक्शन करनी है वहाँ वहाँ पर हम वाइट काजल पेंसिल से वर्क करेंगे। तो मेरे पास वाइट जो है मैक की काजल पेंसिल है, इसके साथ मैं उन्हें बताऊँगी कि कहाँ कहाँ पर उन्हें जो है करेक्शन की नीड है। सो हमने ब्लैक काजल पेंसिल से तो वर्क किया है, लेकिन हम स्केल के साथ भी गाइस देखेंगे बिल्कुल एक एक पॉइंट का भी बहुत ध्यान से कि प्रॉपर मेजरमेंट करने के बाद कहाँ पर नीड है हमें वर्क करने की और कहाँ पर ज़रूरत है हमें वर्क ना करने की। तो जहाँ जहाँ पर भी हमारा वाइट पेंसिल यूज़ होएगी वहाँ वहाँ पर हम जो है प्रोडक्ट को फेड करेंगे, और जहाँ जहाँ पर भी हमारे एक्स्ट्रा जैसे कि जो ऑलरेडी हमारी आईब्रोज बनी हुई है वहाँ पर भी कलर फेड आया है, प्रॉपर एक नहीं आया है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर भी हम इसे वर्क करेंगे। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब हुआ हुआ है, तो आज जो है हम सारा जो प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ पर जहाँ पर फेड है, नियर करके दिखा दे बेटा, जहाँ जहाँ पर ये फेड है कलर आया नहीं है वहाँ वहाँ पर हम इसमें जो है पिगमेंट डालेंगे और इसको एनहेंस करेंगे आईब्रोज को, और जहाँ पर ये एक्स्ट्रा वर्क था उसको हम फेड करेंगे। सो अभी थोड़ी देर के बाद जो है आपको इसमें जब हम क्लीन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पोजिशन इसकी दिख जाएगी कि हम कहाँ पर क्या क्या वर्क करने वाले हैं। अभी बनाती रहे। तो हमारी क्लाइंट को जो शेप है काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, तो अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर परमानेंट मार्कर से मार्किंग कर रही हूँ ताकि जब हम वर्क करें तो ये क्रीम जो काजल पेंसिल है और वाइट काजल पेंसिल है ये तो हट जाती हैं। सो दैट्स वाई हम परमानेंट मार्कर से हेल्प ले लेंगे ताकि हमें बाद में मशीन चलाने में प्रॉब्लम ना हो। और अब जो है फाइनल करने के बाद शेप, अब हम इसके ऊपर लगा रहे हैं एनेस्थेटिक क्रीम। तो ये एनेस्थेटिक क्रीम को हम लगा कर छोड़ेंगे कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट, और इसके बाद जो है हम इसे फिल्म से कवर कर देंगे ताकि बॉडी हीट से ही बहुत फास्ट मोड पर वर्क करे। और इसके बाद हम वेट करने के बाद वर्क करेंगे सीधा के सीधा अपना फेड का और फिलिंग का। तो एनेस्थेटिक क्रीम का असर हो चुका है और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये पिगमेंट फेड कलर का। तो जहाँ जहाँ पर भी हमें फेड करना है सबसे पहले हम जो है फेड के ऊपर अपनी मशीन का वर्क करेंगे, और इसके लिए जो हम नीडल यूज़ कर रहे हैं वो हम सिंगल नीडल यूज़ करेंगे। जैसे कि जहाँ पे पहले मैम ने कराया था उन्होंने 3P नीडल यूज़ करी हुई है, 3 नीडल्स वाली नीडल यूज़ करी थी जिसकी वजह से कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, एक्सेस लेवल पे एक्स्ट्रा बन गई है कहीं पर, विदाउट मार्किंग वो वर्क हुआ है, विदाउट मैपिंग वर्क हुआ है, तो जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे करके वर्क करेंगे, और जैसे कि आप देख सकते हैं इनको कोई ब्लीडिंग या इनको कोई पेन नहीं हो रही है। तो इस तरीके से वर्क कर करके हम एटलीस्ट 3 to 4 times सेटिंग देंगे हमारे एनेस्थेटिक क्रीम लगा के और साथ में बार बार मशीन चलाकर। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, थैंक यू।